भाजपा को दिया गया एक एक वोट का एहसान मेरे लिए जनता का वरदान। केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा सेवढ़ा में संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के लिए खासकर सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप अग्रवाल को विजय बनाने के लिए जनता का आभार जताते हुए धन्यवाद सभा को संबोधित किया है। आभार सभा में सरकार की विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं से अनेक लाभार्थियों को मंच से लाभान्वित किया गया है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता जनार्दन का आभार जताते हुए कहा कि आप लोगों की सेवा के लिए आपका सैनिक तैयार रहेगा। इन सभा में आभारी मंत्री राकेश शुक्ला, सेवढा विधायक प्रदीप अग्रवाल, संध्या सुमन राय, पूर्व सांसद अशोक अग्रगल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, दतिया कलेक्टर संदीप माकिन, एसपी प्रदीप आदि कई अधिकारी जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। 500 साल बाद राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रधानमंत्री ने करके अयोध्या धाम में भगवान श्री राम अयोध्या नरेश को दोबारा स्थापित करने का कार्य किया है। ये भारत माता अपने एक सुपुत्र की इंतजार कर रही थी, एक ऐसा सुपुत्र जो दोबारा भारत की आर्थिक शक्ति केवल नहीं लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति को स्थापित करे। और कल का दिवस हमारे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कल का दिवस जहां 9 वर्षों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल लोक, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, दक्षिण भारत के मंदिर और कल का दिवस अयोध्या धाम की स्थापना दोबारा हुई है। तो मेरे साथ बोलो, सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे ये तो सिवड़ा है भैया, धार्मिक क्षेत्र है सिवड़ा की आवाज वो पीछे वाले दुकान से, पीछे आकाश वाले दुकान से गूंजनी चाहिए भोपाल और दिल्ली तक। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।